किस डगर पर वो चला, वहां ना सूरज ढला, डर के ना नमस्कार। समय बहुत कम है हमारे पास और काम बहुत ज्यादा, हमें तुरंत तैयारी शुरू करनी होगी। सर झुकाने की बारी आए, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे एक एक कर्म के पीछे ईश्वर का हो आशीर्वाद। ये लो दीपक भाई, मेरे हाथों का गर्मा गर्म पराठा। गलत जो नहीं करता वो कभी नहीं डरता। इस पर आप अपना इस्तीफा लिख सकते हैं। भीतर ही भीतर होते सब संवाद। हमें लगातार लोगों के बीच जाना होगा। मेरे आचरण, मेरे वचनानुसार होगा नहीं बुरा कभी। नीचा देखने की बारी आए, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कभी। नरेंद्र भाई, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक ऐसी यात्रा, ऐसी तपस्या की कहानी है जिसने देश की राजनीति की परिभाषा बदल दी और जो आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद चेहरा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसे 1984 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में पार्टी पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा प्रचारक को बीजेपी में भेजने का फैसला किया गया। वो नौजवान कोई और नहीं, नरेंद्र भाई ही थे। उन तमाम लोगों के नरेंद्र भाई जो उनके साथ संघ और पार्टी में रहे, जिन्होंने नरेंद्र भाई को संघर्ष करते देखा, सियासी शहमात के खेल में फंसते और निकलते देखा, सत्ता के शिखर तक पहुंचते देखा। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद नरेंद्र मोदी अब नई भूमिका, नए रूप में थे और यहां से उनके राजनीतिक सफर का वो रास्ता खुल गया जहां हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर उन्हें एक नई परीक्षा से गुजरना था। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, हम विकास के राजनीति को करते रहेंगे और उसी को करते रहेंगे। अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। गुजरात में संगठन मंत्री से लेकर 5 राज्यों के प्रभारी तक, कश्मीर की एकता यात्रा से सोमनाथ की रथ यात्रा तक, पार्टी की जिम्मेदारी से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी हर मुकाम पर नई पहचान बनाते चले गए। इस दौर में जो नरेंद्र मोदी के साथ रहे, जिन्होंने उनके साथ काम किया और जो उनके बड़े फैसलों में शामिल रहे, उन सभी ने नरेंद्र मोदी में बरसों पहले एक ऐसे राजनेता की झलक देख ली थी जो भविष्य में देश की तकदीर लिखने वाला था। आज की बैठक में सब फिक्स हो जाना चाहिए, है ना? उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे। चलो भाई।
देखिए लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? क्या हम जनता से जुड़ नहीं पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है। ये कहना भी उचित नहीं होगा, कमी हमारे प्रयास में भी है। नरेंद्र राजनीति में नए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कहां कमजोर पड़ रही है और इसकी वजह क्या है। वो इसी साल में होने वाले अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुट गए। देखिए, अहमदाबाद का नगर निगम चुनाव जीतना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। यहां निगम का चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो इसका असर पूरे गुजरात पर होगा, और इस चुनाव में नरेंद्र भाई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए, चुनाव की तैयारी में हम पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन चुनाव से भी पहले एक बात हमें लोगों तक बहुत मजबूती के साथ पहुंचाना होगा, और वो ये कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मतलब लोगों तक हमें ये संदेश पहुंचाना होगा कि इस निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इसलिए तो हमें ये नारा दिया है, बस अब भाजप। नरेंद्र मोदी ने नया नारा देकर अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपनी सूझबूझ और रणनीति से चुनावी हवा का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। नतीजे आए और 87 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। नरेंद्र मोदी की मेहनत और उनकी क्षमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुजरात का संगठन मंत्री बनाया। सूरत के रहने वाले बीजेपी के पुराने नेता फकीर सिंह चौहान उन्हीं दिनों से नरेंद्र मोदी को जानते हैं। पार्टी के काम के बीच नरेंद्र मोदी फकीर सिंह चौहान के घर ठहरा करते थे। रात को बहुत चर्चा होती थी, बात होती थी, और इसका जो स्वभाव था कि लगे रहना और स्टेमिना इतना था कि थकता ही नहीं था। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन किस तरह बेहतर, नरेंद्र मोदी के सामने अब यही सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन इसके लिए कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रखना जरूरी था। एक बात समझ लीजिए, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें लगातार लोगों के बीच जाना होगा, उनके साथ संवाद स्थापित करना होगा। और हाँ, अगर चुनाव जीतना है तो हमें हर बूथ पर अपने पार्टी के युवाओं को खड़ा करना होगा। आप बताइए, आपका क्या विचार है? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उसके समय में 1-10 युद्ध का भी एक चलाया उसने, कि उसमें 10 युवान तो होना ही चाहिए। संघ प्रचारक के दिनों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का कोना कोना छान लिया था। वो गुजरात के हर इलाके की समस्या और वहां की राजनीति से वाकिफ थे, वो लोगों से जुड़ना जानते थे। संघ का ये अनुभव भारतीय जनता पार्टी में बेहद काम आया, खासकर उन इलाकों में जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे। मैं सभ्य बुक बनाने के लिए जाता था ना आदिवासी क्षेत्र में, हा? तो लोग हमारे हंसते थे, 2 रुपया का सभ्य फी भी कोई नहीं देते थे। वहाँ तो नरेंद्र भाई आते थे आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी कार्यकर्ताओं के घर में बैठते थे और बैठ में वहाँ का खाना खाते थे और बोलते थे कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, आप सभ्य बनो, तो वो ना बोलते थे कि हम बीजेपी में नहीं, हमें कांग्रेस वाले हैं, हम बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बनेंगे। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार जाते थे, तब उनको मालूम होता कि ये आदमी कोई ऐसा आदमी है कि जो बार बार आता है और अच्छा आदमी है, उनका व्यवहार अच्छा है, ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने उन्होंने बनाए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, घर घर जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, उनके दुख दर्द की खबर लेना, नरेंद्र मोदी का अब यही मिशन हो गया था। लेकिन इस वक्त क्या उनके दिमाग में सिर्फ गुजरात की राजनीति थी? शायद नहीं। नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर नजर बनाए हुए थे जिससे दिल्ली और देश की राजनीति में हलचल मची थी, और वक्त आया
तो उन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा भी थाम लिया। साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन तेज हो चला था। इसकी एक बड़ी वजह लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा थी। अगर ये चाहते हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने तो क्या यह अपराध है उनका? इस रथ यात्रा की योजना में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से जब ये रथ यात्रा शुरू हुई तो गुजरात में इसके सारथी नरेंद्र मोदी ही थे। उनकी तैयारी ऐसी थी कि गुजरात में जहाँ से भी रथ यात्रा गुजरी वहाँ सड़कों पर जन सैलाब उतर आया। उसका अग्रथा में मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे प्रवेश होगी यात्रा तब से कि सब रास्ते पर सब लोग होंगे। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। मैं उनका डर था कि जो रास्ते पर सब लोग देख लेंगे ये यात्रा को तो शायद सभा में कम लोग आएंगे, तो सभा में भी 2 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। राम हमारे माटे को परमात्म मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मात्र हमारे भगवान मसीह। 11 दिसंबर 1991 नरेंद्र मोदी एक और यात्रा पर निकलने वाले थे। ये थी एकता यात्रा। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली जा रही ये यात्रा बेहद चर्चा में थी। इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी कर रहे थे, जबकि एकता यात्रा का संयोजक नरेंद्र मोदी को बनाया गया। उन पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा के हर इंतजाम की जिम्मेदारी थी। ये देखिए, हमारी एकता यात्रा यहाँ कन्याकुमारी से निकलेगी और फिर इन राज्यों से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पड़ाव जहाँ भी होगा वहाँ पर पहले से उचित व्यवस्था की जाएगी। उस समय अराजकता की स्थिति थी, तिरंगे को जलाया जाता था, तो तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि एकता यात्रा निकालेंगे। तो वो यात्रा मुरली मनोहर जी ने कन्याकुमारी शुरू की। उस यात्रा के भी व्यवस्थापक संयोजक श्री नरेंद्र मोदी थे। उस समय आतंकवादियों ने ये चेतावनी दी थी कि कोई भी अगर आएगा तो गोलियों से भून देंगे। उन दिनों नरेंद्र मोदी के साथ साये की तरह रहते थे हसमुख भाई। ये संघ के दिनों से ही नरेंद्र मोदी के साथ रहते थे और इनका काम गाड़ी चलाना था। एकता यात्रा में हसमुख भाई भी शामिल थे। जयपुर में एक सरदार जी का गैरेज था, वहाँ रथ बनवाया एक, और एक पुराना अपना जो जो अपना आडवाणी जी की जो सोमनाथ से यात्रा लेकर अयोध्या गए थे उसका एक रथ था। ये 2 रथ एकता यात्रा में शामिल किया। अब मैं भी चला जाता था, हमारी पूरी टीम थी 26 लोगों की। एकता यात्रा जैसे जैसे जम्मू कश्मीर तक बढ़ती जा रही थी, लोगों का उत्साह और समर्थन भी बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इससे जुड़ते जा रहे थे। हमारा जो रूटीन ऐसा था, कन्याकुमारी से निकले रास्ते में स्वागत भी इतना होता था कि लोगों को, अब हम तो जब भाषा जानते हैं दक्षिण में, तो कपम कपम कश्मीर क्या बोलते हैं, पर वो चलो चलो बोलते हैं उसी भाषा में, चलो कश्मीर। 47 दिन लंबी ये यात्रा देश के 14 राज्यों से गुजरी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कई सभाओं में भाषण दिया। लाल चौक में तो 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी बाथरूम धड़ाके चल रहे थे। ऐसे उसका भाषण भी था, अपना जो जहाँ छोटे छोटे गांव आता था, मोहल्ला आता था, तो उसमें अपना हाइड्रोलिक कुर्सी भी रखी थी, तो जोशी भी प्रवचन भी करते थे और नरेंद्र भाई भी प्रवचन करते थे। वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 के खिलाफ, कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ दहाड़ रहे थे। आतंकवादी काम कर रहे होंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया।
आखिर वो घड़ी आ ही गई जिस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकवादियों का खौफ पसरा रहता था, जहां कदम कदम पर हमले का खतरा था। 26 जनवरी 1992 को उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। जम्मू की सभा में जब हम सब सारे देश भर के लोग वहां पहुंच गए थे, तो संयोजक के रूप में उन्होंने खड़े होकर कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमको वहां जाने पर रोकेगा। हम जाएंगे कल और लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे और बिना किसी सुरक्षा के जाएंगे और बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के जाएंगे। हम जाएंगे और झंडा फहराएंगे। और उस समय उनकी इस घोषणा के साथ ही सभी लोग बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लोगों का कहीं भी हम कश्मीर जाएंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, पर कश्मीर जाएंगे। तो आर्मी वालों ने क्या किया, रास्ता बंद कर दिया, सुरंग निकाल के सब रास्ता चुकअप कर दिया। तो भी लोगों पैदल चढ़ के निकल पड़े थे, तो वो तो बस लंबे लंबे समय तो जा नहीं सकेंगे। पर इतनी कोशिश की लोगों ने, पेट्रोल पंप बंद कर दिया था, तो पेट्रोल का केरबा, डीजल का केरबा लोगों गाड़ी में भर भर के आए थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गया वहाँ, और वहाँ जब झंडा फहराया जा रहा था उसमें मुरली मनोहर जी फहरा रहे थे, लेकिन आगे खड़े हो गए थे वो लेकर सीना तान कर मोदी जी कि अगर कोई घटना होगी तो पहले मेरे सीने में लगेगी। और फिर वो लाल किले पर झंडा फहराया था, उसमें हम भी सब भाव विभोर हो गए थे। एकता यात्रा की सफलता से नरेंद्र मोदी सुर्खियों में आ गए। हर जगह नरेंद्र मोदी के भाषणों की चर्चा हो रही थी। साल 1995 नरेंद्र मोदी और गुजरात दोनों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इस साल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। बीजेपी ने पहली बार गुजरात में बहुमत की सरकार बनाई। पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका थी और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनका बड़ा रोल था। लेकिन नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद और केशुभाई को मिले पद से पार्टी के एक पुराने दिग्गज को दिक्कत होने लगी, और इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। साल 1995 में जैसे ही केशुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, गुजरात बीजेपी में बगावत की चिंगारी भड़क उठी। पार्टी के एक गुट ने केशुभाई के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। केशुभाई को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सही नहीं है। इस गुट के मुखिया गुजरात के पार्टी के पुराने दिग्गज शंकर सिंह वाघेला थे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि ये फैसला पार्टी का है। हम भी तो पार्टी में हैं, क्या हमारा योगदान कम है? केशुभाई का मुख्यमंत्री के रूप में सिलेक्शन हुआ, शपथ विधि हुई, उस शपथ विधि में हम सब गए थे। तो उस खत्म होने के बाद हम गांधीनगर के एक कस्बे में गए, 15-20 लोग वहाँ खाना खाने के लिए और सब मिलने लिए। तो वहाँ के जो लोग थे, जो नरेंद्र बाबू उनके साथ मिले हुए थे, शंकर सिंह जी के साथ, उनके बोल उस बोलने लगा, हमको अच्छा नहीं लगा। हमारे तो इसको प्रमुख बनाने, चीफ मिनिस्टर बनाना था, केशुभाई को बनाया हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उस दिन से केशुभाई अपना ये शंकर सिंह के साथ जुड़े हुए थे। ये सब ऐसे वहाँ से के शुरुआत हो गई। केशुभाई पटेल की सरकार के अभी 6 महीने ही पूरे हुए थे कि उन्होंने खुली बगावत कर दी। वो 48 विधायकों को तोड़कर मध्य प्रदेश के खजुराहो चले गए। इस वक्त केशुभाई पटेल अमेरिका के दौरे पर थे। वाघेला जी टेम्पररीली ही कुड पोज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ बीजेपी लीडर्स टेम्पररीली, आई एम द विटनेस। और जब यह खजुरा कांड हुआ तो वो पार्टी तोड़ने के हिसाब में था बिल्कुल, और सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पर रश करके आ गई थी, अडवाणी जी से, भैरव सिंह जी से और के एल शर्मा जी थे, ये काफ़ी लोग आ गए थे। अडवाणी जी भी आ गए, अटल जी भी आ गए। तो उन लोगों ने इसको कन्विंस करने का
कहा कि भाई तुम ठंडे पड़ जाओ, पार्टी को नुकसान हो रहा है, नरेंद्र भाई को समझा लेंगे। तब तक तो नरेंद्र टाइट हो गया था। संघ के अनुशासन में डेढ़ दशक रह चुके नरेंद्र मोदी के लिए ये सियासी खेल बिल्कुल नया था। वो पार्टी तोड़ने की धमकी से बाहर थे। उस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के पुराने नेता डॉक्टर केडी जेसवानी बेहद करीब से देख रहे थे। उसको मालूम पड़ गया कि अभी मेरे इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, तो मैं भी पूछता हूँ तो मुझे क्यों नहीं पूछते। तो वेंकैया नायडू जी उस समय में आए थे, तो उन्होंने नरेंद्र भाई के साथ वो बैठे थे और कुछ समझाया, लेकिन वो टाइट था। अल्टीमेटली शेषाद्री जी उनसे प्रेशर करके इनके ऊपर ज़रा उनको ठंडा करवा दिया और फिर कहा कि भाई ये पार्टी नहीं तोड़ेगा, तुम जरा ठंडे हो जाओ। लेकिन शंकर सिंह वाघेला शांत नहीं बैठे। उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, जिसके बाद वाघेला अपने चहेते सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहे। बाद में वो खुद नई पार्टी बनाकर अक्टूबर 1996 में सीएम बन गए। नरेंद्र मोदी का पहली बार ऐसे सियासी दांवपेच से सामना हो रहा था। दबाव और दांवपेच की राजनीति के बीच साफ सीधी बात करने वाले नरेंद्र मोदी, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र भाई हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सही बात बोल देते थे, इसलिए उनका विकास होने में वो बाधा हो गए थे और नरेंद्र भाई को बदनाम करने की शुरू कर दिया। तो इसने केंद्रीय हमारी जो थी सब कार्यकर्ताओं जो वरिष्ठ उनको कंप्लेन करके गुजरात से छोड़ दिया। किसी की निंदा सुनना और चुप रहना पाप है। सत्य बोल स्वीकार करे जो, उसके सब गुनाह माफ है। पवन की लहर में वृक्ष का गौरव मस्त होकर डोले, अनंत काल से प्रकृति में कोई झूठ ना बोले। वाघेला एपिसोड से नरेंद्र मोदी को बड़ा सबक मिला। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि पार्टी के अंदर निजी स्वार्थ और अहंकार की लड़ाई पर अंकुश लगाना जरूरी है। नरेंद्र भाई, मेरी बात पर आपने गौर किया या नहीं? कौन सी बात पर? मैंने आपसे कहा था ना, राज्यसभा के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाएं। माफ कीजिए, ये तो नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा इस्तीफा होगा। बैठिए। एक कार्यकर्ता को बोला ये कागज ले और उसको दिया, लिख दो इस्तीफा। ये लीजिए। ये क्या कागज है? इस पर आप अपना इस्तीफा लिख सकते हैं। वो बेचारा बिना इस्तीफा दिए चला गया। गुजरात की सियासी उठापटक के बीच जब नरेंद्र मोदी चर्चा में थे, जिस समय गुजरात में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उन्हीं दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव का पद देकर 5 राज्यों का प्रभारी बना दिया। यही नहीं, 3 साल बाद उन्हें प्रमोट कर महासचिव संगठन का पद भी दिया। लेकिन पार्टी ने यह फैसला क्या सोच कर लिया? नरेंद्र मोदी के सामने अब एक और बड़ी परीक्षा थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया। इन जगहों पर पार्टी की हालत बेहतर नहीं थी, खासकर हरियाणा और हिमाचल बीजेपी के लिए अभेद्य किले की तरह था। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रभारी बनते ही यहाँ की सियासी तस्वीर बदलने लगी। मोदी जी ने बूथ के ऊपर जोर दिया कार्यकर्ताओं को कि अपने बूथ को मजबूत करो। नरेंद्र भाई मोदी सामान्य व्यक्ति नहीं है,
नरेंद्र भाई मोदी का जो पलटवार है वो गजब। जिस शक्ति के साथ मोदी जी ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी उसके कारण हम 28 सीटें जीतने में कामयाब हुए। मैं मोदी जी की सादगी उनकी पकड़ सोच के बारे में बता दूं, उन्होंने कभी मैं अपने को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं दिया, कार्यकर्ता के काम करने को क्रेडिट दिया। नरेंद्र मोदी अब एक नए रोल में थे। वो पंजाब हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने कार्यकर्ताओं से घुल मिल रहे थे और थोड़े ही दिनों में पार्टी के कई लोग मोदी के इतने करीबी हो गए जैसे वो परिवार के सदस्य हों। सबसे बड़ी बात है हर काम को बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं। हर काम को करने से पहले डिस्कस करना दो चार पांच लोगों की टोली में, फिर उसको आम कार्यकर्ता तक पहुंचाना और कार्यकर्ता के घर तक जाना और खुद देखना। मोदी का परिवार विस्तार ले रहा था। हिमाचल का प्रभारी बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ के अलग अलग इलाकों से यहाँ के लोगों से परिवार जैसा नाता जोड़ लिया। शिमला के मॉल रोड के करीब दीपक शर्मा का भोजनालय है। एक वक्त दीपक भोजनालय में हिमाचल बीजेपी के कई पुराने नेता भोजन के लिए आया करते थे। हम तो जैसे बाकी लोग आते थे वैसे मोदी जी आते थे, सब लोग यहीं आते थे। ये नरेंद्र मोदी की पसंदीदा जगह थी। दीपक शर्मा के लिए तो नरेंद्र मोदी परिवार के मुखिया जैसे थे। कभी थके हैं दिन में आए तो थोड़ा घर पे विश्राम कर लेते थे 10-15-20 मिनट, या कुछ सिंपल खाना है तो वो खा लेते थे। हरियाणा के रोहतक में नेपाल से आए लड़के दीपक आचार्य से नरेंद्र मोदी को खास लगाव था। दीपक छोटी सी उम्र में ही काम करने लगा था और रोहतक के पार्टी कार्यालय में खाना बनाने का काम करता था। वो उठे मतलब कि मिलनसार आदमी, कोई मतलब हिसाब ही नहीं, मतलब कि नाराज भी है तो उसको कैसे बनाना है, उसमें बहुत काबिलियत है। अरे दीपक भाई, दीपक भाई, एक बार 2007 में जैसे वो आए तो गेट में साबर मारा होगा शायद, मैंने सुना नहीं है क्या था, तो सीधा किचन में आए वो। अरे दीपक बाबू आज मुझे लगता है नाराज हो। मैंने कहा भाजी नहीं नहीं नाराज तो नहीं हूँ। बोले ये क्या है? मगर अचार खत्म हो गया, मसाला है। बोले निकालो इसको, एक काम करते हैं, तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने कहा दो परोठे बना रहे, आप ले लो मैं बना के खा लूँगा। बोले नहीं नहीं साथ ही करेंगे। अचार निकाल के मेरे को आटा बनाने लगा दिया, अचार आटे में डाल दिया, खुद आपने ऐसे परोठा बनाया, दोनों ने खाए, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बिना प्रेम पंगु बन मानव, लाचार पराधीन सा जीता है, अभाव की एक डोरी ले पल को पल से सीता है। नरेंद्र हर किसी के मन की बात सुनते रहे, लोगों से जुड़ते रहे और एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। और इस वक्त उनका बड़ा लक्ष्य पंजाब हिमाचल और हरियाणा में पार्टी को सत्ता का मजबूत दावेदार बनाना था। और हुआ भी ऐसा ही। उनके प्रभारी बनने के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन गई। उनकी कोशिश से ही बीजेपी ने बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलकर राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई। कई बार हमने उनकी डांट भी खाई है। जब वो हमारे प्रभारी थे उनका काम करने का अपना तरीका था, पर हमने उनके आदेश की पालना में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो मुख्यमंत्री के चुनाव की बात है, उनके एक टेलीफोन पर धड़ल्ले से वो सरकार चलाई। चौधरी बंसीलाल की सरकार में हम भागीदार थे, मैं उस समय अपने मंत्री था चौधरी बंसीलाल की सरकार में, तो एक बैठक हुई थी उसमें कहा कि अटल जी की सरकार बनाने के लिए ऐसा, मैंने कहा अटल जी की सरकार बचाने के लिए हमको अपना हाथ से सर काट के भी देना पड़े तो, और वो हमने किया। हिमाचल में तो नरेंद्र मोदी ने पार्टी की कायापलट ही कर दी। हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, जनता से सीधा संवाद कायम किया। जब मोदी जी हिमाचल आते थे तो उनसे मिलने वालों की लाइनें लगी होती थी, कार्यकर्ता के अतिरिक्त
अन्य संस्थाओं के लोग भी माननीय मोदी जी से मिलते थे। जब वो साधारण उस वक्त बीजेपी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे, जब तक मोदी जी रहते थे लोग उनसे सैकड़ों लोग मिलते थे। देखिए चुनाव में हार जीत बात की बात है, सबसे पहले सब लोग मिलके एक बात सुनिश्चित कीजिए, अगर चुनाव में जीतना है तो अपने अपने बूथ को मजबूत कीजिए। जो मोदी जी का मार्गदर्शन था, जिस तरह से उन्होंने बूथ से वर्किंग पर थ्रस्ट दिया था, वो मैंने 93 में बीजेपी आने के बाद पहली बार किसी नेता के मुंह से सुना था कि भाई मुझे चिंता नहीं विधानसभा की, मुझे चिंता नहीं लोकसभा की, आप हर कार्यकर्ता अपना बूथ जीतो और बूथ जीतना जरूरी है, बूथ जीत जाओगे तो विधानसभा भी जीतोगे लोकसभा। वैसे मोदी जी टिकट कैसे मिलने वाला है ये बात साफ होनी चाहिए। अरे आप अपनी बात कीजिए ना, हमें पता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको क्या पता है? देखिए आपको अनुशासन में रहना सीखना होगा, कई बार टिकट की तो उसका फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। 1997 में पार्टी के संगठन के चुनाव होने थे और उस समय हमारे यहाँ गुटबाजी प्रदेश में थी और गुटबाजी के कारण वो प्रदेश के चुनाव हो नहीं पाए, परंतु उस समय जिस शक्ति के साथ मोदी जी ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी, एक तो उनके जो टिकटों का आवंटन था और जो प्रचार प्रसार में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, उसके कारण हम 28 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। चुनाव की रणनीति कैसे तय की जाए, पार्टी में गुटबाजी कैसे खत्म, टिकट बंटवारे में किन बातों का ख्याल रखें, राज्य प्रभारी रहते नरेंद्र मोदी ने इन बातों को गहराई से जाना समझा। उन्होंने कहा जब आप डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाते हैं तो वहाँ जो है कि भी आप किसी को पटका पहनाते हैं, हैंडबिल भी देते हैं जो जो वोटर है, तो होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी होते हैं उनके घर में, तो वो भी कई बार गोदी उठाए होते हैं या साथ खड़े होते हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि आप टॉफ़ी जो है ना गोली टॉफ़ी वो दीजिए। तो मैं जब भी अपने डोर टू डोर कम्पेन किया है तो उसमें जो है कि भाई अपनी पॉकेट में रखता था कि भाई गोली टॉफ़ी देना और बच्चे को, तो इससे जो होता यह था कि जब बच्चा खुश तो बच्चे के माँ बाप भी खुश। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपना बनाया, जनता की नब्ज टटोली और कुछ ही अरसे में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विजय पथ पर ला दिया। चंडीगढ़ के कारपोरेशन के इलेक्शन में 96 में मोदी जी को मैंने अपनी तरफ से जो सलाह दी थी, अल्टीमेटली अकालियों के साथ अगर हमारा समझौता हो जाता है तो चंडीगढ़ में वी कैन हैव द मेजोरिटी ऑफ इन कारपोरेशन, हमारा उनका 25% और 75% के हिसाब से अलायंस चंडीगढ़ में हो गया। तो हमने 20 सीटें दी चंडीगढ़ की, जिसमें से 5 सीटें उनको देखी, 15 सीटें हमने लड़ी और 15 में से हम 13 सीटें जीते और वो 5 में से 2 सीटें जीते, तो ये सफलता मिली उसमें। और मुझे लगता है शायद उसी बात को लेकर पंजाब का अलायंस अकाली दल के साथ यहीं से शुरू हुआ। नायक वही था लेकिन किरदार बदल रहे थे, नरेंद्र भाई वही रहे लेकिन उनकी भूमिकाएं बदलती रही। उन्होंने गुजरात से लेकर हिमाचल तक कई राज्यों में पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया लेकिन खुद सत्ता से दूर रहे, पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर अपने काम में लगे रहे। उन्हीं दिनों गुजरात में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। छब्बीस जनवरी को जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दिन गुजरात के कच्छ में आए भूकंप से पूरा देश हिल उठा। नरेंद्र मोदी उस वक्त दिल्ली में थे, हेलो क्या भूकंप हुआ तो स्वाभाविक रूप से वो इतने द्रवित हो गए तो सीधा भुज पहुंचे और भुज के जो स्थानिक विभाग प्रचारक थे दिलीप भाई देशमुख, उनके साथ उन्होंने पूरे भुज का दौरा किया बाइक में बैठ के। भूकंप से हुई त्रासदी से नरेंद्र मोदी कांप उठे, उन्होंने भूकंप पीड़ितों के राहत की कमान संभाल ली। बोले बच्चे सबसे ज्यादा हताश हो गए हैं, लोग
मेडिकल का सोचते हैं, भोजन के लिए सोचते हैं, बच्चों की किसी को फिक्र नहीं है। आप एक काम करो गिरीश भाई, बच्चों के लिए कुछ करो। मैंने कहा क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? बोले तंबू लगाओ और तंबूशाला शुरू करो। तो हमने उनकी प्रेरणा से, उनके सूचन से मांडवी तहसील में 22 जगह पर तंबूशाला शुरू की। इस काम में गुजरात के उनके कई साथी भी जुट गए। संघ के कार्यकर्ताओं को कहाँ क्या करना है उन्होंने बातचीत किया और पूरा आयोजन किया, क्योंकि लोग उस टाइम पर क्या थे कि चलो खाना भेजो खाना भेजो, लेकिन उनको मालूम था कि भी खाना तो बहुत आएगा लेकिन और क्या करना है, तो इस प्रकार की उनकी सोच रहती थी। भुज के भूकंप के बाद केशुभाई सरकार की नाकामी सामने आ गई। भूकंप के 6 महीने बाद भी राहत और पुनर्वास का काम ढीला चल रहा था। लोगों में केशुभाई सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। केशुभाई वाज अ गुड लीडर बट ही वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग लीडर एज नरेंद्र भाई इन दोज डेज। तो नरेंद्र भाई जिस स्पीड से पार्टी को ले जा सकते थे उस स्पीड से कोई और नहीं था पार्टी में। केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। फैसला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। गुजरात के सीएम पद के लिए उनकी पसंद नरेंद्र मोदी थे। उन्हें ऐसे वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया जब सरकार के सिर्फ 18 महीने ही बाकी थे। नरेंद्र मोदी अब तक ना कभी सरकार में रहे और ना ही विधायक चुने गए थे, लेकिन गुजरात की तकदीर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आई। उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर ना नामे सौगन लऊं छू के कायदाती स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश। सत्ता काजल की कोठरी होती है, यहां से बेदाग निकलना मुश्किल होता है। ये बात नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद भी उन्होंने जोखिम लिया, मुख्यमंत्री बनना मंजूर किया, क्योंकि उनके पास गुजरात की तस्वीर बदलने की सोच थी, गुजरात के विकास का रोड मैप था। लेकिन इसे अंजाम कैसे दिया गया? आखिर कैसे नरेंद्र मोदी के राज में विकास के गुजरात मॉडल की बुनियाद रखी गई? नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाने का यह पहला अनुभव था। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, जिनके अनुभवों का नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया, उन सभी ने देखा है कि कैसे मोदी के सीएम बनने के बाद गुजरात में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। वो उनकी एक उपलब्धि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट होती है। उनका फोकस हमेशा कॉमन मैन का था कि कॉमन मैन को कुछ फायदा हो रहा है। जो अंडरस्टैंडिंग है, ग्रास रूट लेवल अंडरस्टैंडिंग, वो एक उनका काफी स्ट्रेंथ था। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 18 महीने का वक्त था। इस समय उन्होंने भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के काम में तेजी लाई। वो गुजरात की जमीनी सच्चाई को जानते थे, इसीलिए बड़ी योजनाओं से जुड़े अफसरों से तालमेल बिठाने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई। जब चीफ मिनिस्टर बने, एक आदमी की बड़े चीज होता है कि सब लोग तो बोलने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, पर वो लर्निंग के लिए बहुत कोशिश करते थे ज़्यादा सुनने का। आइए बैठिए। आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में? तो हमारा कई सारे मीटिंग्स होता था, आधा घंटा डिस्कशन हुआ, आधा घंटा वो सुनेंगे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे हो रहा है, फिर बाद में उनका व्यू पॉइंट वो देंगे। मोदी पहली बार सिर्फ 18 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, इससे पहले उनका कार्यकाल पूरा होता। इसी बीच सत्ताईस फरवरी 2002 को गोधरा कांड हो गया। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने से
59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैल गया। सवाल नरेंद्र मोदी पर भी उठाए जा रहे थे। अफवाह यहां तक उड़ी कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देगा। उन्हीं दिनों अप्रैल 2002 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां गुजरात का मुद्दा बेहद गर्म था। गुजरात के दंगों की चर्चा हो रही थी, बहुत देर तक चर्चा हो रही थी, और जब इस पर खूब चर्चा हो गई 2-3 घंटे तक, तो वो अचानक खड़े होकर कहा कि यदि मेरे कारण से पार्टी को कोई नुकसान होता है तो, इतना ही बोले थे कि सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नो नो नो, मोदी रहेगा, ये जोर जोर से बोलने लगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी की किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अटल जी अडवाणी जी के सामने पूरी कार्यकारिणी एकजुट खड़ी हो गई हो और अटल जी अडवाणी जी पूरा मंच निशब्द होकर बैठ गया हो, वो मैंने उस समय देखा। गोवा कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का एक धड़ा नरेंद्र मोदी के साथ था। मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचार के आगे नतमस्तक हो गए और मोदी जी को प्रथम मुख्यमंत्री रखने के लिए ये कार्यकारिणी ने इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा। और इस वक्त मोदी ही वो शख्स थे जिन पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमले कर रहा था। इसके बावजूद दिसंबर 2002 में हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने और इसके बाद गुजरात के विकास की रफ्तार तेज हो गई। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर बिजली पर दिया। 1000 दिवस में 23 लाख नवा थांबला, 56,000 नवा ट्रांसफॉर्मर अने 75,000 किलोमीटर नवो केबल नाख्यो, त्यारे आ ज्योतिग्राम योजना बनी छे। गुजरात में हर घर को 24 घंटे बिजली, ये किसी क्रांति से कम नहीं थी। ग्राम ज्योति योजना के जरिए नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात की तस्वीर बदल दी। यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। जब नरेंद्र भी है वो 24 आवर्स लाइट देने के लिए जो सुझाव अधिकारियों के साथ रखा, तब अधिकारियों भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नरेंद्र भाई ने एक ठान लिया था कि नहीं ये करना है। तो जब इसका जो प्रयत्न ट्राई किया और 24 आवर्स गाँवों में और सिटी में जब लाइट मिली, तब सारे गुजरात के लोग को विश्वास हो गया कि नरेंद्र भाई कुछ कर सकते हैं। गुजरात का एक बड़ा हिस्सा पानी की समस्या से जूझ रहा था। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते नर्मदा का पानी गुजरात के सुदूर गांवों तक पहुंचाया। नर्मदा योजना का जो फाइनल स्टेज है वो नरेंद्र भाई मोदी के टाइम में हुआ। नर्मदा की कैनाले और सब बनी बनाई थी, तो आज नर्मदा के पानी से गुजरात में कच्छ जैसे बिल्कुल सूखाग्रस्त विस्तार में पानी की कमी क्या है वो इस जनरेशन को पता तक नहीं है। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व गुजरात के विकास के लिए जो गेम चेंजर बना वो है वाइब्रेंट गुजरात। महेश्वर साहू वाइब्रेंट गुजरात के शिल्पकार माने जाते हैं। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए गुजरात में निवेश की नई शुरुआत हुई और ये गुजरात के विकास के लिए ऑक्सीजन साबित हुआ। 203 में पहला मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ, रियल पिकअप 2011 में से हुआ कि गुजरात इतना स्पीडीली काम कर सकता है। और इनका अभिगम पूरा फोकस्ड है कि एक चीज पकड़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात देश में निवेश का नया मॉडल था। गुजरात में ये प्रयोग सफल रहा। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में निवेश बढ़े, उद्योग धंधों का बड़ा विस्तार हुआ। सूरत में रहने वाले देश के बड़े हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने विकास को लेकर नरेंद्र मोदी की सोच, उनके विजन को करीब से समझा। उनका जो सोच है
ये बहुत बड़ा है कि पहले 25 साल पहले जब हम फॉरेन जाते थे तो यू कमिंग फ्रॉम इंडिया पुअर पीपल ऐसे लोग समझते थे। अभी 10 साल की बात करें तो हम किधर भी जावे यू कमिंग फ्रॉम इंडिया हो तो एकदम जो हम पुअर थे तो एकदम अच्छे लोग बन गए। तो ये उनकी जो पर्सनालिटी जो उनके प्रेजेंटेशन है ये उनका है। लीडर ऑफ अपोजिशन था मैं अपना स्टैंड उस समय रखता था और ज़्यादातर मेरा जो स्टैंड था उसको एकोमोडेट करने की मोदी जी कोशिश करता था। तो उस समय मोदी जी हमें ये कहते थे कि आप ओपोजिशन में से जब बोलते हैं तो हमारी सरकार उसका नोट डाउन करती है और उसमें जो इम्प्लीमेंट करने लायक हैं वो इम्प्लीमेंट भी करती है। हेलो जी नमस्कार, क्षमा कीजिए, काम वैसे ही होगा जैसे नियम कानून से होना चाहिए, मैं इस तरह से आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के पास पैरवी और सिफारिश का तांता लगने लगा। कई लोग निजी फायदे के लिए उनके पास पहुंचने लगे लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक बात उनकी थी कि मित्र होवे कि कुछ भी वो कभी किसी की पर्टिकुलर पर्सन की फेवर करने में कभी नहीं करते। मैंने आपसे कहा है ना इस तरह की सिफारिश की चिट्ठियां मेरे पास मत भेजा कीजिए। हमको बोले नरेंद्र भाई कि नाथ जी आपका कोई सा प्राइवेट काम लेकर मेरे पास आना नहीं लेकिन सार्वजनिक काम हो बड़े तथा विकास का काम हो तो मुझे लिख देना और तुम्हारी अर्जी हम पास कर देंगे। चौथी बार राज्य शासन सुखानी तरीके नरेंद्र मोदी ने 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो 12 साल 227 दिन तक गुजरात के सीएम रहे। उन्होंने गुजरात को विकास का मॉडल बना दिया। उनका प्रभाव पार्टी के अंदर और बाहर दोनों बढ़ा और इसी समय नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की बात होने लगी। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। यहां भी नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी। मोदी अपने राजनीतिक सफर के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। थोड़े ही दिनों में देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला था। तुम्हारे पास सपने हो या ना हो परंतु सपनों के बीज मैं अपनी धरती पर बीजता हूं और प्रतीक्षा करता हूं पसीना बहाकर कि वो अंकुरित हों और उनका वृक्ष बने फिर किसी विराट पुरुष की बाहों के समान उनकी शाखाएं फैले पक्षी उन पर घोंसले बनाए और आकाश को छूने लगे उनके कंठ से नदी की कलकल की ध्वनि समान ईश्वरीय गीतों के स्वर लहराए। भारत का लोकतंत्र महान है। यहां वोट की ताकत से देश की तकदीर तय होती है और ये ताकत अब नरेंद्र मोदी को मिलने वाली थी। देश में बदलाव का एक नया दौर शुरू होने वाला था लेकिन कैसा बदलाव? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कैसे एक नया इतिहास रचा? ये कहानी भी हम उनसे सुनेंगे जो पीएम मोदी के बड़े फैसलों में शामिल रहे या चश्मदीद रहे। हमारे मेगा शो नरेंद्र भाई में यह कहानी अभी जारी रहेगी। मुझे यानी शरद केलकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिस डगर पर वो चला वहां ना सूरज ढला डर के ना अंधियार से वो कभी टला केला शत्रु का हो अभेद ना परवा युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र Yeah.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।